हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं प्रोग्राम टू फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू लिस्ट। सो आपके पास दो लिस्ट हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और यूनियन का मतलब क्या होता है, आप सबने मैथ्स में सेट्स पढ़ा होगा। सो यूनियन का मतलब है कि आपको कंबाइन करना है दोनों लिस्ट को। सो बोथ द लिस्ट शुड बी कंबाइंड एंड वी शुड गेट वन लिस्ट जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट्स हो, दैट इज़ कॉल्ड यूनियन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि यू हैव टू टेक आउट दी कॉमन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो लिस्ट ए में भी हैं और लिस्ट बी में भी हैं। सो लिस्ट ए वाले एलिमेंट्स भी आपको चाहिए और लिस्ट बी वाले एलिमेंट्स भी आपको चाहिए। सो दैट इज़ इंटरसेक्शन। सो देखते हैं कि ये प्रोग्राम का लॉजिक क्या है और इसको हम कैसे बनाने वाले हैं, राइट? सो अब अगर इसका आप लॉजिक सोचो सबसे पहले, तो यूनियन देखो दो तरह की होती है। एक यूनियन में जो एलिमेंट्स हैं जो पहले वाले में भी हैं और सेकंड वाले में भी है, उनको हम दो बार भी लिख लेते हैं। लाइक अगर एक नंबर आपके पास फर्स्ट वाले में भी है सेकंड में भी है तो आप उसको दो बार लिखोगे। बट हम जो यूनियन यहाँ पर करेंगे, वी विल नॉट बी रिपीटिंग द नंबर, ठीक है? हम करेंगे यूनियन, लेकिन नंबर आपका अगर एक बार ऑलरेडी आ चुका है तो हम उसको रिपीट नहीं कराएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। सो अगर मान लो आपके पास ये लिस्ट है जिसके अंदर वी हैव these elements, right? I have another list जिसके अंदर I have these elements, something like that. तो इसका यूनियन क्या होगा? इसका यूनियन होगा आपका दोनों लिस्ट का कॉम्बिनेशन। तो आपके फर्स्ट लिस्ट के एलिमेंट्स आ जाएंगे और उसके पीछे जो सेकेंड लिस्ट में और एलिमेंट्स थे एक्स्ट्रा वो भी आ जाएंगे। सो ये क्या बन जाना चाहिए? यूनियन। जो सेम थे उनको हमने नहीं लिया और बाकियों को हमने इसके पीछे ऐड करा लिया, तो वो हो गई यूनियन। और इंटरसेक्शन में आपको क्या चाहिए? इंटरसेक्शन में आपको सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। तो इसके अंदर देखा जाए तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास सिर्फ दो हैं, दैट इज़ 20 एंड 28, क्योंकि 20 आपकी पहली लिस्ट में भी है और 28 भी आपकी दोनों लिस्ट में है। सो 20 फर्स्ट और सेकेंड दोनों लिस्ट में है, 28 भी दोनों में, तो वो इंटरसेक्शन हो गई। सो पहली बात तो ये समझ आ गया कि करना क्या है, ठीक है? सो जब भी आप एक प्रोग्राम बनाना शुरू करते हो, यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। तो ये मुझे आउटपुट चाहिए। अब हम सोचते हैं जी इसका लॉजिक क्या हो सकता है। अब लॉजिक में देखा जाए तो क्लियरली मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। क्लियरली क्या चीज़ नज़र आ रही है? ये एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स सेम है जो ए में थे। आई एम टेकिंग द सेम एलिमेंट्स। इसके पीछे मैंने बी में से वो एलिमेंट्स अटैच किए जो ऑलरेडी ए में नहीं थे। क्या किया? वो एलिमेंट्स अटैच किए जो ऑलरेडी ए में नहीं थे, राइट? सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। तो ये तो सीधी ए कॉपी हो जाएगी रिजल्ट के अंदर, तो ए को तो मैं एज इट इज़ कॉपी कर दूंगी और जो बी है उसमें से मैं सिर्फ उन एलिमेंट्स को इसमें अपेंड कराऊंगी जो मेरे पास ए में ऑलरेडी ना हो। समझ रहे हो लॉजिक? ठीक है। और इसमें क्या करना है? इसमें हम एक लिस्ट में से एलिमेंट्स एक एक करके उठाएंगे। जैसे हमने 10 को उठाया, देखेंगे क्या इसमें है, अगर है तो ऐड कर दो, अगर नहीं है तो मत करो। फिर 15 को उठाया, इसमें है, अगर है तो ऐड कर दो, नहीं है तो मत करो। सो लाइक दिस हम उसको ऐड कराते जा रहे हैं। सो दैट इज़ इंटरसेक्शन। हम एज्यूम कर रहे हैं कि लिस्ट में रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं हैं, ठीक है? सो वी आर एज्यूमिंग कि लिस्ट ए और लिस्ट बी में सारे जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, सेम नंबर बहुत बार नहीं है। अगर वो होगा तो फिर आपको लॉजिक में थोड़ा सा चेंज और करना पड़ेगा, ठीक है? बट आर अजम्पशन इज दैट ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन लिस्ट ए एंड लिस्ट बी में। अपने आप में बी में सेम हो सकते हैं बट अपने आप में खुद में उसमें रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं हैं। सो अब इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा? यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ होगी कंसेप्ट, एक तो यूज़ होगा ट्रेवर्सल, एक आप लिस्ट को कॉपी कैसे करते हो, और दूसरा इन मेंबरशिप ऑपरेटर जो कि हमें ये चेक करके बताएगा कि एक एलिमेंट दूसरी लिस्ट में है या नहीं है। सो इन ऑपरेटर यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है उस चीज़ पे काम करने के लिए। सो चलिए पाइथन ओपन करते हैं और डायरेक्टली अपना कोड हम शुरू करते हैं। सो मैंने ओपन किया पाइथन। यूज़र से मुझे दो लिस्ट इनपुट करवानी है तो मैं वो दो लिस्ट इनपुट करवा लूँगी। आई विल टेक अ फाइल है। मैंने यहाँ से पूछा eval input enter list 1 b is equal to eval input एंटर लिस्ट टू. सो ए में आपके पास वैल्यूज आ गई, बी में आपके पास वैल्यूज आ गई. सो ए और बी की वैल्यूज लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, यूनियन. सो यूनियन के लिए मैंने एक लिस्ट ली जिसमें मैंने ए को कॉपी करा दिया. अब ए को कॉपी करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप ए डॉट कॉपी लिख सकते हो, आप ए के साथ कोलन कोलन लिख सकते हो ताकि आपकी जो लिस्ट है उसकी एक कॉपी बन जाए, ताकि जब मैं यू में कोई चेंज करूं तो वो चेंज मेरे ए में नहीं होना चाहिए. क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम डायरेक्ट असाइनमेंट कर देते हैं यू इज़ इक्वल टू ए, तो उनका आईडी सेम रहता है. एक में चेंज करोगे दूसरे में भी होगा. सो वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू मेक अ कॉपी ताकि ए मेमोरी में अलग जगह पर रहे, यू मेमोरी में अलग जगह पर रहे. सो यू में मैंने पहले ए को तो कॉपी करा ही लिया, फिर मैंने एक लूप लगाया जो कि हर वैल्यू के लिए चलेगा जो कि बी में है. अब वो वैल्यू बी में तो है, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी यू में है, मतलब वो ए में भी थी, अगर वो ऑलरेडी यू में है तो हम उसको क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड नहीं कराएंगे. ठीक है, तो एक मैं इंटरसेक्शन वाली लिस्ट ले लेती हूँ जो कि खाली है. अब एक ही लूप से आपका काम हो जाएगा. यहाँ पे देखो, फॉर वैल इन बी हम सेकेंड वाली के लिए चला रहे हैं, फॉर वैल इन बी. अब मैं यहाँ पर चेक करती हूँ कि अगर तो ये वैल ए में भी है, ए में भी है तो वो किस में जाएगा, इंटरसेक्शन में, है ना. अगर वो ए में भी है तो इट शुड बी इन द इंटरसेक्शन, तो मैंने उसको इंटरसेक्शन वाले में अपेंड करा दिया. अगर वो ए में नहीं है तो वो यूनियन वाले में ऐड होना चाहिए, तो हमने उसको यूनियन वाले में ऐड करा दिया. सो इसके आप दो अलग अलग लूप लगा के भी कर सकते थे. यूनियन के लिए अलग लूप लगा लेते, इंटरसेक्शन के लिए अलग लगा लेते, वो भी कर सकते थे, बट ये छोटा है. वाई टू हैव अनदर लूप जब एक ही लूप से काम हो रहा है. सो जब आपने इसको इधर कॉपी करा लिया और यहाँ पर आपका लूप चल गया, और इसके बाद आप प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट यू, दैट इज द इंटरसेक्शन इज आई. सो यूनियन एंड इंटरसेक्शन. I've printed this all. मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको रन करती हूँ. सो मैंने यहाँ पर लिस्ट एंटर करी 10, 20, 30, 40, 50. फिर मैंने यहाँ पर लिस्ट एंटर करी 20, 50, 60, 70. ज़रूरी नहीं है दोनों में 5-5 नंबर हों, पहले में 5 है दूसरे में 4 है, दैट परफेक्टली फाइन. प्रेस एंटर. सो आपके पास पहले लिस्ट ए प्रिंट हो गई, लिस्ट बी प्रिंट हो गई. ये है हमारी यूनियन की लिस्ट जिसमें ए तो है ही और उसके पीछे 60-70 अटैच हो गया. 20-25 जो है वो आपका इंटरसेक्शन हो गया. ठीक है, अब आप देखना चाहते हो कि ये कोड के हिसाब से कैसे चला, मैम ये बताओ. तो ज़रूर बताते हैं आपको कि ये कोड के हिसाब से कैसे चला. सो कोड के हिसाब से अगर आप इसको देखते हो तो आपने सबसे पहले ए में इनपुट किया, ये तो ए में आ गया, बी में आ गया, चलो ठीक है. U इज़ इक्वल टू ए डॉट कॉपी, तो आपके पास U में A कॉपी हो गया, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 आ गया. और I जो है वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है. ठीक है, फिर ये लूप शुरू हुआ वैल इन B, तो वो यहाँ से पहले उठाएगा 20 को, देखेगा कि क्या 20 A में है. हाँ है, 20 A में है, मतलब ये कॉमन एलिमेंट हो गया जो A में भी है और B में भी है, तो इट शुड बी अपेंडेड टू I, इंटरसेक्शन में ऐड हो जाएगा. फिर उसने उठाया यहाँ से 50. अब उसने देखा कि क्या 50 ए में है, हाँ वो भी है, तो वो भी इंटरसेक्शन में ऐड हो गया. फिर उसने पिक किया 60, क्या वो ए में है, नहीं है, नहीं है तो उसको यूनियन वाले में अपेंड करा दिया जिसमें ये 5 तो पहले से ही थे. फिर आया 70, वो भी नहीं है, उसको भी यहाँ पर ऐड करा दिया. सो वी गेट इट लाइक दिस. ये आपकी यूनियन बन गई और इंटरसेक्शन बन गई. ठीक है, अब मैं आपको एक बार और ये रन करके दिखा देती हूँ. सो इफ़ आई रन दिस अगैन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठे इकट्ठे एलिमेंट्स ही होने चाहिए थे. जैसे यहाँ पर आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 है. ठीक है, इसमें मेरे पास है 5, फिर है 10, फिर है 15, फिर है 30, 35, 45, 50 समथिंग लाइक दैट. एंड आई प्रेस एंटर, तो आप देखोगे इसमें इंटरसेक्शन में आ गया 10, 30, 50 और जो 5-5 वाले थे जैसे कि 5, 15, 35, 45 वो जाकर ऐड हो गए यूनियन में. सो दैट बिकम्स द यूनियन. सो दैट इज़ हाउ वी कैन फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू लिस्ट्स, राइट. तो अब आप भी ये ट्राई करके देखो. एक आपको होमवर्क मैं यहाँ पे देती हूँ, ये तो मैंने बना ही दिया है और आप लोग काफ़ी लिख रहे हो कि येस मैम वी नीड टू प्रैक्टिस मोर लॉजिक्स। तो होमवर्क आपके लिए ये रहेगा कि आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड माइनस ऑपरेशंस, ठीक है। माइनस ऑपरेशन या कॉम्प्लीमेंट भी आप बना सकते हो। तो सेट्स में जब हम बात करते हैं, अगर आपको सेट्स आता है तो यू वुड बी नोइंग अबाउट दैट कि माइनस और कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे यूनिवर्सल सेट है ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। सो ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज़ योर यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए है 2, 6, 8, 9, 10। आपको ए का कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, तो जो एलिमेंट्स इसमें नहीं है ये आपके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सो आप ए सी निकाल सकते हो, दैट इज़ ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। एक होता है दो सेट्स में से ए माइनस बी, वो भी सेम ही चीज़ है। इट्स बेसिकली यू माइनस ए इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वो सेम ही चीज़ है, आप इसको माइनस कह के करो या आप इसको कॉम्प्लीमेंट कह के करो, आपके पास लॉजिक सेम होगा कि आपको यू में से वो नंबर्स बताने हैं जो ए में नहीं है। तो ए माइनस बी भी वही होता है कि ए में से वो नंबर्स बताने हैं जो बी में नहीं है, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म दिस सेट ऑपरेशन। सो ट्राई दिस कोड एज वेल अलॉन्ग विद यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो आपको बहुत हेल्प होगी इसके लॉजिक को और समझने में। सो ये बेसिकली लिस्ट के ऊपर मेंबरशिप का रोल है कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बिफोर आई लीव, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी, सो आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे 20% फ्लैट ऑफ आपको मिल जाएगा अगर आप CBSE की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सो डायरेक्ट फ्लैट 50% ऑफ है, सो सॉरी 20% ऑफ है, 50% नहीं, जब 50% आएगा तब भी ज़रूर बताऊँगी आपको, बट फिलहाल 20% ऑफ है। सो ये 20% ऑफ 30th तक है, तो 30 तारीख तक आपको डायरेक्ट 20% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप जा सकते हैं www.alcoders.co.in पे, जो कि हमारी वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इस वेबसाइट पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इस वेबसाइट पे अगर आप क्लास 12th में हो, बिकॉज यहाँ पर अभी लाइव कोर्सेज आएंगे फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे C++ हमने स्टार्ट कर दिया है, एक क्लास हुई है, वो आपको YouTube पे भी लाइव मिल जाएगा यहाँ पर। बट फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे जो आप चैट करोगे वो मैं नहीं देखूँगी, आई विल बी टीचिंग देयर, बस वो वीडियो YouTube पे भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इस कोर्स के अंदर आप वहाँ पर मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, सिंस इट्स अ लाइव कोर्स। करना क्या है, आपको साइट ओपन करनी है, जाके साइन अप करना है और इसको एनरोल करना है। फ्री कोर्स है, कोई पेमेंट आपसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। देन ये कोर्स है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें आपको ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही डिटेल में कराया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड होंगी, लाइव नहीं है ये, बट वीक में एक लाइव क्लास होगी जिसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। एंड दिस इज़ द कॉस्ट फॉर दिस, राइट। एंड ये जो है दिस इज़ अ क्वेश्चन बैंक, अभी बना नहीं है, बट इसमें मैं अपडेट्स करती रहूँगी। सो दिस विल बी अ क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 12th CBSE, ठीक है। तो इंग्लिश में रहेगा इसका मीडियम। एंड इसके अंदर कोर्सेज में मतलब बहुत सारे नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर सब इसमें अपलोड होगा। ये कोर्स आपको तब भी मिल जाएगा अगर आप चैनल की मतलब अगर आप साइट की मेंबरशिप लेते हो, तो मेंबरशिप में और भी बेनिफिट्स हैं। अलॉन्ग विद दैट दिस कोर्स विल बी अवेलेबल फॉर फ्री इफ़ यू टेक मेंबरशिप, नहीं तो आप एक्सक्लूसिवली ये कोर्स भी ले सकते हो अगर आप क्लास 12 स्टूडेंट हो, CBSE बोर्ड से। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। तो जैसे आपने YouTube पे हमेशा सपोर्ट किया है, वैसे दिस इज़ अ न्यू वेंचर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इस पे मैं और काम करूं, बट अभी शुरुआत है। लेट्स सी हाउ फार वी गो इन दिस और कैसे चलता है ये। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। बाय फॉर नाउ।